लेते हैं सुबह के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी। वैसे बनता है जब घर में ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन कल आप ये बनाकर खाइएगा और खिलाइएगा सेमोलिना ब्रेकफास्ट। आइए, सपना जी रेडी है और आप भी रेडी हो जाइए। तो सपना जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल वर्तिका, तो हम बना रहे हैं सेमोलिना ब्रेकफास्ट। ठीक है, सेमोलिना स्नैक्स भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जी। पर इसको एज अ स्नैक्स भी हम सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, स्टार्टर में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूंगी। ऑयल जब वर्तिका गरम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। ठीक है, और फिर वेजिटेबल्स है मेरे पास बारीक कटी हुई, कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम। ठीक है, वो डालूंगी। ठीक है, तो अभी ऑयल हमारा गरम हो गया तो मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई है मेरे पास हरी मिर्च। और अब इसके बाद वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, तो ये कैरेट है सब बारीक कटी हुई है मेरे पास, शिमला मिर्च और कैबेज। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वर्तिका इनको, क्योंकि वैसे भी बारीक कटी हुई है जी। और वैसे भी क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा इसका, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सीजनिंग करूँगी इसको लाल मिर्च और नमक से। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे तो हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें, और सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी सूजी। सूजी ये मैंने एक कप लिया है। ठीक है, पूरी एक कप आपने सूजी ली है, कच्ची है सूजी? बिल्कुल कच्ची है वर्तिका, अभी मैं इसमें एक दो मिनट इसको सेकूंगी ताकि ये सिक जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ सब्जियाँ ली है, सब्जियाँ जैसे जो आपको पसंद है वो आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। तकरीबन एक से दो टीस्पून हमने सब्जी ली है इसमें, बराबर की क्वांटिटी सी है। और साथ में जब सब्जियाँ हल्की सी स्टफ फ्राई सौते हो गई, फिर हमने इसमें एक कप पूरा यानी एक कप सूजी के हिसाब से हमने सब्जियाँ इसमें ऐड की हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा एक दो मिनट इसको बस मैं भूनूंगी ताकि सूजी हमारी कच्ची नहीं रहे, बस थोड़ी सी भून जाए। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बहुत ब्राउन करेंगे। अच्छा, तो ये सिक गई है हमारी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें यूज़ करूँगी बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम। तो ये एक कप जैसे हमने ये सूजी लिया है तो मैं इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, एक कप के हिसाब से 1/4, और इसी प्रपोर्शन को फॉलो करें। बिल्कुल, अच्छा बस इसको मिक्स करना है, इसको सेकने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। एक बिल्कुल ज़रा सा ही पानी डाला है। हाँ, एकदम वो जैसे डो फॉर्म में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ पानी का इसलिए यूज़ किया कि ताकि एक बाइंडिंग मिल जाए उसको, एक डो फॉर्म में वो आ जाए। और अब इसको हम, सपना जी, बस मेरे को लग रहा है गैस आपने बंद कर ही दी है यहाँ पे, बस पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा रेडी हो जाएगा। फिर इसको हम कोई भी ट्रे में सेट कर लेंगे। ठीक है सपना जी, तो वर्तिका ये मेरे पास इस टाइप की ट्रे है, बट अगर आपके पास किसी के पास ये वाली नहीं हो तो आप आराम से कोई भी टिफिन है प्लास्टिक का या कोई आपके स्क्वायर इस टाइप की प्लेट है तो हाँ उसमें आप सेट कर सकते हैं इसको। तो इसको ग्रीस करना है हमको, तो इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर देती हूँ। और अब इसको इसमें सेट कर दूंगी। ओके, सपना जी, इसको कितनी देर रखना होगा अपने को सेट करने के लिए? इसको वर्तिका जब ठंडा हो जाएगा, जैसे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में ठंडा हो जाएगा ये। अच्छा, फिर सेट भी हो जाएगा, फिर इसके स्क्वायर पीसेस कर लेंगे कट करके, फिर हम इसको तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा, मतलब जैसे शैलो फ्राई हो जाए। शैलो फ्राई हो जाए। अच्छा ठीक है, तो सपना जी ने इसको ट्रे में सेट कर दिया। अब इसे हल्का सा सेट हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर, फिर कुछ नहीं करना, इसके पीसेस करके इसको हल्का हल्का अपन तवे पे शैलो फ्राई करेंगे। सपना जी, पीसेस में हमने इन्हें कट कर लिया है, अब जस्ट शैलो फ्राई करना है। बिल्कुल है। तो वर्तिका, इस तवे पे मैंने ये तवा लिया है, इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। और इस पर ये मैं रख देंगे सूजी के स्नैक्स। ओके, और इनको दोनों तरफ से हम थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। ठीक है सपना जी। हाँ जी, तो ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी मैं।
अच्छा है सपना जी, इसको अपने को फ्राई भी नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल, मतलब सूजी सेमोलिना इटसेल्फ क्या है, एक हेल्दी प्रोडक्ट है। बिल्कुल, सब्जियां भी इसमें यह है कि सारी हल्की क्रंच है और बहुत कम ऑयल के साथ हमने इसको बनाया है, और तो कोशिश पड़ की अच्छी है कि हमने इसको हल्के हल्के तेल में ही शैलो फ्राई कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। तो सपना जी, मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप इसको शैलो फ्राई करती जा रही हैं और दोनों तरफ से हम कर रहे हैं, टर्न कर दिया और टर्न से आप देखो इसे सूजी सिकती है, तो एक हल्का सा वो दिखने लगा है। और इस सुनने से आप, बल्कि मुझे तो पता ही रेसिपी इतनी अच्छी लगी सपना जी, कभी शाम को बिल्कुल हल्का सा कुछ खाना है तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें कि बच्चों के टिफ़िन में देना, तो हल्का सा आप इन्हें बनाएं, ठंडा कर लीजिए और आराम से बच्चों के टिफिन में आप केचप के साथ उन्हें दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम उपमा बनाते हैं, हम लोग उत्तपम बनाते हैं, तो एक अच्छी सी वैरायटी है ये। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी और ब्राउन कलर आ गया है इसमें, तो ये सूजी वैसे भी थोड़ा सा सिकती है तो बहुत क्रिस्पी टेस्ट देती है। अगर आप इनको गरम गरम खाएंगे तो बहुत मज़े आ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। सपना जी रेडी हो चुका है, लाइए। बिल्कुल वर्तिका, ये लीजिए। ओ वाओ, दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये सपना जी। और मेरे को एक आइडिया आया अभी खड़े खड़े कि अपन इसको आराम से पूरी रात ट्रे को छोड़ दें सेट करके। बिल्कुल, है ना। और मॉर्निंग में जैसे आपको लग रहा है कि स्नैक्स जल्दी तैयार करना है, या इनफैक्ट बच्चों के टिफिन में के लिए भी जल्दीबाजी रहती है सुबह सुबह, तो आप इसको इनफैक्ट रात को ही आप उसमें ट्रे में आप सेट करके रख दीजिए और आप सुबह इसके पीसेस करिए और शैलो फ्राई कर लीजिए, तो सुबह के वक्त का टाइम भी बहुत बचेगा और पूरी रात में बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा। बिल्कुल वर्तिका, ऐसा कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, तो चलिए आप भी इसकी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नोट डाउन करके रखें और जब भी आपका मन हो इस स्नैक्स को आप ज़रूर बनाकर ज़रूर से देखिएगा। तो भाई ये ज़िंदगी है, ऑब्स्टिकल्स तो राह में हर जगह आएंगे, घर हो घर से बाहर हो, इनसे बचकर भी हम लोग कहाँ जाएंगे, जीना तो इन्हीं के साथ है। और सच मानो तो शायद ज़िंदगी का दूसरा नाम यही है। तो बस चीज़ों को लेट गो करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते रहिए। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।